सुभाष मुंडा को माला कलम को माने। हेमंत सोरेन से गुजारिश है, इस क्षेत्र में कोई आदिवासी की जमीन नहीं बचेगा, सबको लूट लेगा, इसी तरह से एक एक करके टारगेट करके मारेगा। बहुत आहत है, इसलिए हेमंत सोरेन से आग्रह है कि एक एक क्रिमिनल को एनकाउंटर करके मारिए, तभी आदिवासी का जमीन बचेगा। जो जल जंगल जमीन का नारा कर रहे हैं तभी बचेगा। सरकार तो उसको शर्म नहीं होगा, अगर शर्म है तो अभी इस्तीफा दे, अन्यथा हम लोग जो सरकार हम लोग जो बनाए हैं, इतना मेहनत से हम लोग बनाए थे, सोचे कि आदिवासी का सरकार यहाँ बैठेगा, रघुवर दास पहले था तो यहाँ का जो आदिवासी, यहाँ का मूलवासी जो है उसका भला होगा, उसको हर क्षेत्र में संरक्षण मिलेगा। लेकिन आज कहीं ना कहीं आज किसी क्षेत्र में हम लोग संरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है। आज जगह जगह में, आज यहाँ दलादली चौक में गोली चल रहा है, हाजी चौक में गोली चल रहा है, उससे आगे गोली चल रहा है, तो ये सब क्या है? आज सरकार से हम लोग तो यही मांग करेंगे कि सरकार यहाँ जितने भी शूटर हैं, गैंगवार हैं, जो जमीन का धरले से धंधा जो बाहर से आके कर रहे हैं, जो बाहरी प्रवेश हो रहा है, उसके चलते आज इतना निर्मम हत्या लोगों की जा रही है, इस पे लगाम तभी लगेगा जब आप अपराधियों को पकड़े और उसको इनकाउंटर करे, शूट करे, तभी हम लोग इस पे काबू पाएंगे। लेकिन आज जनता पूरा आक्रोश में है, अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती तो जनता उस पर कार्रवाई करेगी। हम लोग भी जहां होगा वैसे लोग आएंगे तो हम लोग उसको सेंद्रा करने का काम करेंगे, और हम लोग गिरफ्तारी नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन बंद करने की घोषणा करते हैं। देखिए, जेएमएम तो जल जंगल जमीन की पार्टी है, लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रघुवर दास के सरकार से भी ज्यादा लूट हो रही है एक आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद। तो हम तो यही कहेंगे कि वो राजस्व मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, उनके हाथ से जो झारखंड निकल चुका है, और ये सारे माफियाओं को, पदाधिकारियों को उत्साह दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो समझना होगा लोगों को कि ये सिर्फ सुभाष मुंडा के ऊपर गोली नहीं चली है, ये आदिवासी समाज के ऊपर गोली लगी, आदिवासियों के ऊपर गोली लगी है। और सबसे पहले समझना होगा कि सुभाष मुंडा थे कौन। सबसे पहले वो सामाजिक कार्यकर्ता थे, एक एक आदिवासी समाज के सुख दुख में वो शामिल होते थे, पूर्व विधायक प्रत्याशी थे, कई बार हटिया से वो विधानसभा के चुनाव लड़ चुके हैं, मांडर से भी चुनाव लड़ चुके हैं, सीपीआईएम के जुझारू वो लीडर थे। इतना कुछ होने के बावजूद अगर उनको ऑफिस में घुस कर अगर गोली मारा जाता है तो थू है ऐसे हेमंत सोरेन पर, आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर नहीं दिए और 12 घंटे के अंदर अगर सुभाष मुंडा के हथियारों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरा रांची बंद रहेगा, पूरा झारखंड बंद रखेंगे, अनिश्चितकालीन झारखंड बंद रखेंगे, चाहे जो हो जाए, पूरा रास्ता जाम हो जाए, पूरा सरकार का ऐसी की तैसी कर देंगे। इतना हम लोग को डेली यहाँ पर गोलीबारी, आज हम सदर थाना में गैंगवार से जूझ के आए हैं, वहाँ कोई भी महिला चल रही थी, कोई भी जमीन बचाने के लिए चल रहा था, वहाँ पर उन लोगों के साथ मारपीट किया जाता था। महिलाओं का गैंग, पुरुषों का गैंग बॉन्सर चढ़ के जमीन लूटते हैं, यही प्रशासन है, यही सरकार है। इसीलिए हेमंत सोरेन को हम लोग चुनाव में जिता कर यहाँ बैठाए थे कि अपना सरकार आएगा नहीं बर्दाश्त करेंगे, और अगर हथियारों को नहीं पकड़ा गया तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं।